जिसको भी देखो वही बोलते हैं अपने पैशन को फॉलो करो, तभी जाके लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। लेकिन यार उससे पहले कोई ये तो बताए कि मेरा पैशन क्या है, वो कैसे ढूंढ निकाले। अगर आपका प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मुझे उम्मीद है आज बहुत ही आसानी से आपको आपका सलूशन मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आपके रूम में जितने भी चीज़ें हैं उसमें से मोबाइल फ़ोन कौन सा है वो आपको ढूंढ निकालना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा मोबाइल फ़ोन है क्या या वो कैसा दिखता है। ऐसे ही पैशन को ढूंढ निकालने के लिए पहले हम लोगों को ठीक से समझना होगा कि पैशन असल में है क्या। लेकिन दुख की बात यह है, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए पैशन का डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जिस वजह से पैशन ढूंढ निकालने में हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत समय आंखों के सामने होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते। तो पहले बात करते हैं पैशन असल में है क्या। सिंपल तरीके से देखा जाए तो पैशन का मतलब है इंटेंस डिजायर टू डू समथिंग। लेकिन अगर ब्रॉडली कहा जाए तो पैशन वर्ड का बहुत ही डीप एक मीनिंग बनता है। नंबर वन, पैशन मतलब एक ऐसा काम जो आपके लिए सच में मीनिंगफुल है। मतलब ऐसा नहीं कि वो काम आप सिर्फ किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, वो काम करने की मकसद आपके लिए आपसे भी बढ़कर है। जैसे कि रमेश इंजीनियरिंग पढ़ता है क्योंकि उसको सिर्फ डिग्री चाहिए और इंजीनियर बनके वो बस अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ सुरेश इंजीनियरिंग पढ़ता है क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, वो नया कुछ बनाना सीखना चाहता है। टेक्नोलॉजी की मदद से वो सिर्फ अमीर लोगों की लाइफ ही नहीं उसके साथ साथ गरीब लोगों की लाइफ भी आसान बना देना चाहता है। सुरेश के लिए डिग्री मिलना जितना इम्पोर्टेंट है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को सीखना। सुरेश काम से प्यार करता है और रमेश उस काम से उसे जो मिलेगा उन आउटकम से प्यार करता है। इसीलिए इंजीनियरिंग सुरेश के लिए पैशन है लेकिन रमेश के लिए इंजीनियरिंग सिर्फ एक बोझ है। नंबर टू, पैशन एक ऐसा काम है जो आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और आपके अंदर से उस काम को और अच्छे से सीखने की चाहत जगाता है। अजय जब पहली बार गिटार बजाना सीखना शुरू किया था तो तब उसको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। पहले एक हफ्ते तक तो पूरे दिन वो उसी गिटार को लेकर पड़ा रहा, लेकिन 2 से 3 हफ्ते बाद ही अजय का इंटरेस्ट कम होने लगा। अजय ने गिटार क्लास मिस करना शुरू कर दिया, खुद ही खुद को एक्सक्यूजेस देने लगा ताकि गिटार बजाना ना पड़े। मतलब गिटार के मामलों में जितना दिन गुजरने लगा अजय उतना ही डीमोटिवेटेड होने लगा। दूसरी तरफ जितना दिन गुजरने लगा गिटार के लिए सुजय का प्यार उतना ही ज़्यादा और बढ़ने लगा। गिटार ना बजा के उसका एक दिन भी नहीं गुजर पाता। अगर एक भी दिन किसी वजह से वो गिटार ना बजा पाए तो उसे वो दिन ही पूरा बर्बाद हो गया ऐसा लगता था। मतलब गिटार बजाना सीखने के मामले में सुजय दिन ब दिन और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगा। इसलिए गिटार बजाना सीखना सुजय के लिए पैशन है लेकिन अजय के लिए वो बस एक टाइम पास और दूसरों को इम्प्रेस करने की एक खिलौना है। मुझे उम्मीद है अभी तक मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया कि पैशन असल में है क्या, मतलब वो दिखने में कैसा है। अब बारी है उसको ढूंढ निकालने का। उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिनका आपको आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके आप उन आंसर्स को किसी पेपर में या नीचे कमेंट बॉक्स को भी नोटपैड की तरह यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो तब वहाँ पे लिखना है नथिंग। ओके, तो शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर आपके पास पैसे और समय की कोई कमी नहीं होती तो कौन सा काम करके आप अपने ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते। नंबर टू, आपके डेथ के बाद आपका किया हुआ कौन सा काम के लिए लोग आपको याद रखने पर आप सबसे ज़्यादा खुश होंगे। नंबर थ्री, अगर इस दुनिया का कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैजिकल पावर आपको दिया जाए तो ऐसे में आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड नंबर फोर, ऐसा कोई एक इंसान जिनके तरह अगर आप बन पाओ तो आप अपना लाइफ सक्सेसफुल मानोगे। ओके, तो अब मैं अपना आंसर्स आपके साथ शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी आपके आंसर्स नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरे लिए पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैं लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स का सबसे ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढता। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, मेरे डेथ के बाद किसी इंसान को सही रास्ता दिखा के उनका लाइफ बदल देने के लिए याद रखने पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, लोगों के वो सारे गलत सोच जो उनके फेलियर के लिए असली जिम्मेदार है उन सबको सही सोच से बदल देता। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये तो आप सभी जानते हो, संदीप महेश्वरी। अगर इन 4 क्वेश्चन में से 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए नथिंग है तो समझ लीजिएगा आपका अभी भी अपने पैशन के साथ मुलाकात ही नहीं हुआ है। पहले तो मुलाकात हो उसके बाद जान पहचान। ऐसे में आपको दूसरा तरीका यूज़ करना होगा। आपको हर महीने मिनिमम सिर्फ एक नया चीज़ ट्राई करने की गोल सेट करना होगा। वो गिटार बजाना भी हो सकता है या फोटोग्राफी भी हो सकता है या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है। अच्छा, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या पैशन को ढूंढ निकालना सच में बहुत ज़रूरी है? बहुत लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हो सकता है। उन लोगों के लिए कहता हूँ,
अगर किसी के लिए लाइफ में सक्सेसफुल बनने का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना और पेट पूजा करना है तो उनके लिए पैशन ढूंढ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सक्सेसफुल बनने का मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है, जैसे कि लाइफ में सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट होना, तो ऐसे में अपने पैशन को फॉलो करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अनिल एक जॉब करना शुरू करता है जिसका सैलरी है 50,000 पर मंथ। ऐसा जॉब जिसमें अनिल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिल जिस वक्त ऑफिस में रहता है उसका तो जैसे दम घुटने लगता है, 5 मिनट भी उसके पास 5 घंटे के बराबर लगता है। अब ऐसा मेंटेलिटी लेके अगर काम करे तो उस काम में अनिल का तरक्की करने की चांसेस क्या है? फिर भी अनिल वही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ढेर सारा पैसा जो मिल रहा है। अनिल ने खुद को समझाया, यार क्या फर्क पड़ता है, मंडे से सैटरडे तक आँख कान बंद करके सारे तकलीफ झेल लूंगा और संडे को किसी बार में जाके ड्रिंक करके दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करके और छुट्टी में गोवा बैंकॉक घूम के वो तकलीफ मेकअप कर लूंगा। मतलब अनिल ने एक ऐसे लाइफ को चुना जहाँ पे वो हफ्ते में 6 दिन मरेगा और सिर्फ 1 दिन दिल खोल के जिएगा। दूसरी तरफ सुनील ने एक ऐसा काम चुना जहाँ पे उसका मंथली इनकम है सिर्फ 10,000, लेकिन सुनील को वो काम बहुत पसंद है। उस काम के मामले में सुनील बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो काम करते करते कब वक्त गुजर जाता है सुनील को पता ही नहीं लगता। हालांकि अभी इस काम से सुनील का मंथली इनकम है सिर्फ 10,000, लेकिन अगर ऐसे ही खुशी से भरे हुए मेंटेलिटी के साथ वो काम करता जाए तो सुनील को इस 10,000 से 1,00,000 तक मंथली इनकम पर पहुंचने में कुछ खास देर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ रमेश को शायद 50,000 से ही 1,00,000 तक पहुंचने में 10 साल या शायद उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाए। मतलब सुनील ने अपने पैशन को फॉलो करके एक ऐसा लाइफ चुना है जहाँ पे वो अनिल की तरह हफ्ते में सिर्फ 1 दिन नहीं बल्कि हफ्ते में 7 दिन ही दिल खोल के जिएगा, क्योंकि सुनील के लिए उसका काम कोई बोझ नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट है। असल में पैशन को ढूंढ निकालने के लिए बाहर से कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस नए नए चीज़ ट्राई करते रहना है। जब आपका आपके पैशन के साथ मुलाकात हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब बस श्योर होने के लिए कि हाँ यही मेरा पैशन है, आपको इन 4 क्वेश्चंस का सहारा लेना होगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। और उनके इसी पैशन को फॉलो करके आज वो दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक है। अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप द हैप्पीनेस ऑफ परसुइट इस बुक को एक बार पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। पुजारी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक्स देने के लिए। हमारे लिए ऐसे फीडबैक्स सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते। हम जब भी ऐसा कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद साइड में बने हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।